आजादी के 7 दशक बीत जाने के बावजूद सहरसा जिले के महिषी प्रखंड स्थित राजनपुर पंचायत के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कोसी बांध के अंदर बसे लोगों को आज तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला। यहाँ के लोग आवागमन के लिए बांस से बने चचरी पुल का सहारा लेते हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आपको बता दें कि पहले भी कई बार चचरी पुल के क्षतिग्रस्त होने से लोगों की जान जा चुकी है। पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, ऐसे में राजनपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि इस संबंध में कई बार स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया गया है, लेकिन अभी तक कोई पुल निर्माण के लिए कोई पहल नहीं की गई। यहाँ तो बिल्कुल ही पुल होना चाहिए, और जब से आजाद हुआ है देश तब से जो इधर का इलाका है बहुत ही पिछड़ा रहा है, और आज़ादी के बाद लगभग सभी जगह विकास हुई है। तो 3 साल पहले ही बिजली भी यहाँ पे आई है, और जो ये आप देख रहे हैं चचरी पुल, बहुत ही दुर्घटनाग्रस्त, कभी भी जैसे जे पानी बढ़ेगा तो फिर ये जो है टूट जाते, उसके बाद इसी नाव के सहारे से लोग आवा। हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी डॉक्टर संजीव कुमार जुड़ चुके हैं। संजीव जी, यहाँ पर आज़ादी के 7 दशक बाद भी ये स्थिति देखने को मिल रही है कि लोग चचरी पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या कुछ वहाँ पे ग्रामीणों को परेशानियाँ हो रही हैं? जी, सभी नेशनल न्यूज के दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो चचरी पुल है लगभग 4-5 साल से ये बन रही है, और यहाँ पे आए दिन काफी दुर्घटना भी होती है, जिसके यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे MLA हो या सांसद हो, इसके इधर नजर नहीं जा रही। साथ ही जब वोट का समय आता है तभी सबका नजर भी पड़ती है, लेकिन सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि कम से कम इस एरिया को देखते हुए इधर पुल का एक निर्माण करें, ताकि लोग को आवागमन में सुविधा हो। जी जी संजीव जी, और क्या कुछ वहाँ पर है, मतलब स्थिति क्या है वहाँ पर, क्या कुछ परेशानियाँ होती हैं लोगों को? देखिए, एक्चुअली है क्या, जिस टाइम इधर पानी आता है ना, तो उस टाइम लोग को ये समझ में नहीं आता है हम लोग किधर जाए नहीं जाए, माल मवेशी होता है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। शिक्षा के यदि बात करें तो यहाँ पे जो है 12 महीने में सिर्फ 2 या 3 दिन स्कूल खुलती है, जिसमें 15 अगस्त या 26 जनवरी इसी में सिर्फ झंडा फहराने के लिए यहाँ पे शिक्षक आते हैं, उसके बाद कभी स्कूल खुलता नहीं है। यहाँ पे क्या शिक्षा होगा, शिक्षित ही नहीं होगा बच्चे, कैसे ये बिहार बनेगा? जी संजीव जी, अगर आप ये चुनाव जीतते हैं, मुखिया के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो आप इस राजनपुर पंचायत को किस नजर से विकास की तरफ लेकर जाएंगे, या फिर क्या कुछ विकास का काम करेंगे वहाँ पर? जी निश्चित, एक्चुअली यदि यहाँ के जनता का मुझे आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, वैसे भी मिल रहा है, उसके बाद सबसे पहले चाहेंगे कि यहाँ जो शिक्षा का जो मुख्य धारा है उससे जोड़े, और सबसे जो अहम है सड़क का, जो किसी सड़क नहीं है गांव, यदि आप जाएंगे जिस जिस टाइम पानी आता है तो रास्ता चेंज हो जाता है, तो रास्ता एक सीधी हो, और यहाँ पे एक स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, 3 चीज पे मेरा ज्यादा ध्यान रहेगा कि इससे कम से कम जो भी पंचायत के माध्यम से होगा उसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध है, और हम लोग निश्चित ही करेंगे। जी, तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया संजीव जी। तो आपको बता दें कि राजनपुर में अभी भी आजादी के इतने साल बाद भी वहां पर मूल रूप सुविधाएं वहां पर लोगों को नहीं मिल रही हैं।